देश के सबसे बड़ी पार्टी और देश के सबसे ताकतवर नेता आधी आधी रात तक जगते हैं, आंखों से नींद दूर हो गई है। देश के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य कई रातों से सोए नहीं है। कारण, देश में चार लड़कों ने ऐसी तबाही मचाई है कि 400 पार का सपना देखने और दिखाने का दावा करने वाले नेता, उनकी नींद उड़ी हुई है, होश में नहीं है। दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश और अभी हिमाचल प्रदेश, साउथ के राज्य जो हैं, जिस तरीके से बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर जिस तरीके से एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन निकल के सामने आया, उसके बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नींद आंखों से गायब हो गई है। उनके नींद पर डकैती हो गई है और ये डकैती तेजस्वी, अखिलेश, डीयू शिवकुमार जैसे नेताओं ने कर दिया है। इधर राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। राहुल की यात्रा, लोगों की भीड़, अखिलेश का साथ, तेजस्वी का साथ, हेमंत का जो लड़ने का फैसला, केजरीवाल अलग मोर्चा पर, ये जो विपक्ष के नेताओं ने जो एकजुटता दिखाई है, उससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नींद दूर हो गई है। कई रातों से सोए नहीं है। बीजेपी हाई कमांड दफ्तर में, जहां तमाम सुख सुविधा का संसाधन है, साधन है, व्यवस्था है, वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी रात कागजों पर हिसाब किताब करते हुए गुजार देते हैं। बीजेपी के अंदर इससे बड़ा होमवर्क कभी नहीं हुआ था जो अब होते हुए दिखाई पड़ रहा है। दरअसल लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि अब की 370 सीट बीजेपी अकेले अपने दम पर जीतेगी, और जो 370 के बाद जो 30 और 35 40 सीटें बीजेपी जीतेगी 400 के आसपास लाने के लिए, क्योंकि पूरा एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा दिया है, तो उस 400 पार का आंकड़ा पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह कई रातों से मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार जो है दौरा चल रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम के राज्यों तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मोदी हर कोने में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं आचार संहिता लगने में, चुनाव की जो है डुगडुगी बजने में, 13-14 मार्च को वो डुगडुगी बज जाएगी, उम्मीद ये किया जा रहा है अब तक, अगर मोदी जी को कोई बड़ा काम नहीं करना होगा तो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर से खबर निकल के आ रही है कि रात के 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं कि किसका टिकट काटा जाए, किसको टिकट दिया जाए, किस पार्टी को तोड़ा जाए, किसके विधायक लाया जाए, इस मंथन में किस राज्य में जाकर पूरे दिन कार्यक्रम करना है, उद्घाटन और शिलान्यास करना है, बंगाल में पीएम मोदी रहे, झारखंड पीएम मोदी पहुंचे, बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार के 2-2 जिला में कार्यक्रम है, और 2-3 दिनों के अंतराल में फिर से मोदी जी का कार्यक्रम, पहले औरंगाबाद एनडीए की सरकार बनने के बाद, फिर बेगूसराय, फिर पश्चिम चंपारण बेतिया में जा रहे हैं, मोतिहारी में। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा जो फोकस है वो उन राज्यों में है जहाँ वो चुनाव जीत सकते हैं, जहाँ वो कमजोर हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसमें बताया गया था कि राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा, अखिलेश के खुले तौर पर ऐलान, अरविंद केजरीवाल ने जो मोर्चा संभाला, और हिमाचल में जो खेल खेला गया था उसका द इंड डी सुकुमार जैसे नेताओं ने आके करा दिया, उसके बाद बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी के नेता इतने बेचैन कभी नहीं थे। बीती रात अमित शाह 1:30 बजे रात तक हिसाब किताब करते रहे, तमाम सांसदों का लेखा जोखा तैयार करते रहे कि कितने सांसदों का टिकट काटा जाए और कितनों को दिया जाए, कौन चेहरे नए होंगे, कौन पुराने चेहरे होंगे, कौन लोकसभा की सीट होगी,
किस सीट पर अपना उम्मीदवार होगा, किस पर सहयोगियों का साथ होगा, ये मंथन चल रहा है। बीजेपी के चाणक्य परेशान है और परेशानी अब से कुछ दिन पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन का स्वरूप सामने आया, नीतीश कुमार के चेहरे बने। जब नीतीश कुमार को तोड़ दिया गया तो लगा कि सब कुछ फिट हो गया, अब टेंशन नहीं है। लेकिन नीतीश को तोड़कर जो बीजेपी गेम शुरू की थी, उस गेम में अब तेजस्वी अखिलेश जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। जिनको बीजेपी काफी हल्के में ले रही थी, उनकी एक जुटता ने मुसीबत खड़ा कर दिया। और यही वजह है कि आधी आधी रात तक मेहनत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर आप समझिए कि आंध्र प्रदेश तक कितने सीटों पर बीजेपी किन किन नेताओं को चुनाव लड़ाई की, वो देखा जा रहा है, समीकरण बनाया जा रहा है। और इस बीच समीकरण में यह कोशिश की जा रही है कि अपने नेताओं को सेफ सीट पर लड़ाया जाए। और इस बार जो रुपाले पर्दों की शान हुआ करते हैं उनको मौका दिया जा रहा है। जिस जगह पर गुंजाइश कम दिख रही है वहां वैसे चेहरे को लाया जा रहा है जिसका राजनीति से सीधा वास्ता ना होकर वो पब्लिक फिगर हो। फिल्म के जो अभिनेता है अभिनेत्री है उनको मौका दिया जाएगा कि वो किसी तरीके से चुनाव जीत कर आए और 370 का आंकड़ा पूरा करे, 400 के पार जो मोदी जी ने कहा उसे पहुंचाने का काम करे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक मिनट अपना जाया नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री कितना व्यस्त है। प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सारा काम उनको होता है, लेकिन इन तमाम कामों के बीच वो आधी रात तक बीजेपी दफ्तर में बैठकर नामों पर मुहर लगाते हैं, नाम काटना जोड़ने में सहमति देते हैं। फिर सुबह उठते ही वो चले जाते हैं प्रदेश के राज्यों में विकास के योजनाओं पर काम करने के लिए, फिर वापस आते हैं दूसरे राज्य में। उन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फोकस है जहां पे उनको लग रहा है कि उनको बड़ा झटका लग सकता है। बिहार के अंदर जो अंदरूनी इंटरनल जो रिपोर्ट है वो बता रही कि बीजेपी फिलहाल 39 सीटों में से कई सीटें लूज कर रही है, उसको वापस पाने के लिए जीतोड़ मेहनत हो रहा है। बंगाल के अंदर बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, झारखंड के अंदर जीतना चाहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी अपना जो रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखना चाहती है, दिल्ली के अंदर ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के अंदर जो पिछला लोकसभा सीट जो जीत के बीजेपी आई थी उन तमाम सीटों पर दोबारा जीत कराने की कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से पूरा जो प्लान है वो चल रहा है। और इन प्लान के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिन रात पसीना बहा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है सोचिए। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार के अंदर जो जनसभाओं को किया और जो भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों का गुस्सा जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव की सभा में दिखी, उस भीड़ की तस्वीरें निकलकर दिल्ली पहुंची। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो तस्वीरें निकली और उसमें जो भीड़ था, जो लोगों का गुस्सा था, वो इकट्ठा हुआ और वो भी दिल्ली पहुंची। इधर अखिलेश पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं, केजरीवाल पहले से मोर्चा खोले हुए हैं। उधर बनी बनाई सरकार राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करवा के बीजेपी जिसे बड़ी जीत मान रही थी, वो बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया। इससे कांग्रेस और सचेत हो गई। कांग्रेस के जो नंबर 2-3 के लीडर हैं वो भले ही इस माइंड गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो नेता हैं, जो नौजवान हैं, वो समझ रहे हैं। राहुल गांधी भले समझे या नहीं समझे, डी के शिव कुमार जैसे नेता राहुल गांधी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी रणनीति इस वक्त इतना परफेक्ट हो रही है कि बीजेपी के चाणक्य की सारी सोच समझ वहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव बिहार में जिस तरीके से खेल कर रहे थे, भले ही राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक वो टूट गए हैं या टूटते जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, लेकिन इससे डरने की जगह ये पूरे मजबूती के साथ वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये सोचिए कि 3 मार्च को बिहार में एक बड़ा रैली है, उस बड़ी रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। और इस रैली के मंच से तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के रोकने के विजन और मिशन की चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव को यह बात अच्छे से मालूम है कि वो अकेले देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं बना सकते हैं, तो देश भर के बीजेपी के खिलाफत करने वाले नेताओं को ही क्यों नहीं बुला कर बिहार की ऐतिहासिक धरती से फिर से एक जो है वो ऐलान किया जाए, और इस ऐलान के साथ आगाज किया जाए बीजेपी के
द एंड की कहानी लिखने के लिए। इंडिया गठबंधन का स्वरूप पटना में ही बना था और तेजस्वी फिर से चाहते हैं कि पटना में ही जयप्रकाश के उसी कर्म भूमि, उसी जन्मभूमि से, जयप्रकाश के उसी रणभूमि से, जयप्रकाश के उसी विचारों की भूमि से जिसने हुंकार भरी और सत्ता तख्ता पलट हो गया, जयप्रकाश की भूमि से, गांधी के कर्म भूमि से ऐलान किया जाए लोकतंत्र को बचाने की। और इसके लिए तेजस्वी यादव ने एक मंच सजाया है और पूरे बिहार के लाखों लोगों को निमंत्रण दिया है और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और देश के कई नेता पहुंचे और उन सबके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ प्लान बनाया जाए। तो इधर इस बात की जानकारी, फीडबैक जो है 3 मार्च के होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहुंच चुकी है। उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर राजद, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को कमजोर करने के लिए, उनके विधायकों को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। विधायक राजद और कांग्रेस को ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जो बिजली का उनको झटका लग रहा है, जिसे भूत देखकर डर हो जाता है लोगों के मन में। इस तरीके से पार्टी के नेताओं को छोड़कर भाग रहे और सीधे करें कि बीजेपी ही विकल्प है। तो बीजेपी जाने वाले विधायक भले जश्न मना रहे हों, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले नेता हैं वो अलग से ही प्लान सेट कर रहे हैं। इस कड़ी में कई नेताओं का नाम जुड़ रहा है, 3 मार्च को जो देखना होगा। लेकिन उसके पहले 2 मार्च को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह जनसभा करेंगे और इस बीच नीतीश कुमार भी साथ होंगे। मोदी की निशाने पर कौन होगा? लालू यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश होंगे, राहुल गांधी होंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को लेकर हल्ला बोलेंगे तो 3 मार्च एक दिन बाद, घंटों बाद, 24 घंटे के बाद ही ये सभी नेता ये बातें दोहराएंगे कि प्रधानमंत्री आकर क्या बोल के गए, क्या कह के गए, क्या दे कर गए। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ही कार्यक्रम में, बेगूसराय और औरंगाबाद की जनसभा में, क्या कुछ बोलना है, क्या कुछ कहना है, वो मोदी पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को एक्सपोज ना कर दिया जाए, क्योंकि 3 को ही ठीक एक दिन बाद बड़े पैमाने पर ये जनसभा होगी। मोदी आकर एक अलग मैसेज देंगे, अपने लोगों को गोलबंद करेंगे और उन्हीं लोगों को महागठबंधन और विपक्ष के नेता भी गोलबंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाहे रैली बीजेपी की हो या फिर महागठबंधन की हो, बिहार की आबादी वही और आबादी में जो लोग रह रहे हैं वही होंगे, विचारधाराओं पर लोग बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग जो मोदी के आलोचक होंगे वो भी उनको सुनेंगे, देखेंगे, जाएंगे, जो महागठबंधन के आलोचक होंगे वो भी आएंगे और जाएंगे, देखेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री पहले है वो 2 मार्च को आ रहे हैं, फिर 3 को कार्यक्रम है, उसके बाद फिर वो 6 मार्च को आ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की बेचैनी बता रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो दौड़ लगाई है, राहुल गांधी ने जो स्पीड दिखाई है और अखिलेश ने जो फुर्ती दिखाई है, इसके कायल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सूचना तंत्र है वो हो गए हैं। और वो बता रहे हैं कि इनकी यह सुपर पावर जो बन गया है नौजवानों का, वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी कम करने के लिए इनके लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। और बिहार में तो खेला हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश में खेला हो ही रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कुछ हुआ, बंगाल के अंदर किस तरीके से तस्वीरें बदली। तो ये सब मैसेज है और ये लोग इसी वजह से अपने जाने वाले सहयोगियों से नाराज नहीं है, विधायकों के जाने से नाराज नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि जिनको जाना है चले जाएं और हम रिफ्रेश होकर अपनी ताकत को ऐसे इकट्ठा करेंगे। हालांकि दावे और दलीलें की जा रही है, लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आधी रात तक जगाने का काम जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बैनर तले नेताओं ने किया है, उसे मोदी को खुद पता है कि 370 का आंकड़ा और 400 पार के जो बयान है उसे पूरा करने में मोदी को अभी और कई रात जागना होगा, कई रात शाह को दफ्तर में बिताना होगा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।